पूरा उत्तर भारत इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। भारत में इन दिनों ज्यादातर उत्तर राज्यों में भीषण लू और गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी का प्रकोप इतना है कि पहाड़ों के भी कई इलाकों में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जैसे ठंडे इलाकों में भी पारा 40 के पार पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि गर्मी पहले नहीं होती थी, मगर जितनी भीषण गर्मी अब हो रही है, इतनी भीषण गर्मी शायद पहले नहीं हुआ करती थी। इसका प्रमाण ये है कि दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूरज अपने तेवर दिखा रहा है, आसमान से आग सी बरस रही है, लोग चिलचिलाती धूप से परेशान हैं। इन दिनों बढ़ते तापमान के कारण देश के कई हिस्से भट्टी बन चुके हैं। बढ़ती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में तापमान 45 डिग्री को भी पार करने पर आमादा है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आगे कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी कर रखा है। गर्मी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि देश के अलग अलग इलाकों में 100 से ज्यादा लोगों की गर्मी के कारण मौत भी हो चुकी है। सरकार द्वारा लू से बचाव के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि गर्मी लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही है? गर्मी से बचने के लिए लोग क्या उपाय कर रहे हैं? हमने इन सब मुद्दों को लेकर आम जनता से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। लू से बचने के लिए क्या उपाय? पहली चीज तो ये है कि आप खाली पेट घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप पानी पीते रहें, अपने साथ पानी रखिए, पानी पीते रहिए, नारियल पानी पीजिए, लही लस्सी ये सारी चीजें पीजिए, जिससे कि आपको लू से बचाव हो सकता है। ये गर्मी पड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये गर्मी पड़ रही है। और दूसरी चीज़ ये कॉन्क्रीट मतलब ये जो घर बनवाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ काट काट के नई नई बिल्डिंग्स बनवाई जा रही हैं, ये भी एक रीज़न है इसका। पेड़ काटने की वजह से ही गर्मी सबसे ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और काम करते हैं, अपना जो भी काम होता है हमारा वो तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं उपाय कर रही हूँ कि मैं आम पाना पीती हूँ और जो है नॉर्मल पानी पीते हैं। मैं ठंडा पानी भी यूज़ नहीं करती, नॉर्मल पानी जैसे थोड़ा ठंडा हो गया उसमें मिक्स कर लिया, और जैसे नींबू पानी हो गया, लाइट वेटेड खाना खाती हूँ। मैं बाहर का वैसे भी ऑयली बिल्कुल नहीं खाती, लाइट वेटेड खाना खाती हूँ, दाल चावल, या भूख ना लगे तो फ्रूट्स लेती हूँ, सैलड लेती हूँ, इन सब चीज़ों पर मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ, और गर्मी में बाहर बिल्कुल नहीं निकलती। ऐसे अर्जेंट है कोई अभी जा रही हूँ, लेकिन पूरा पैक कवर करती हूँ। धूप हमारे लिए अच्छी है, लेकिन उतनी लिमिट की सुबह की 10 बजे की धूप, लेकिन जो अभी की धूप है इससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन जो हमारे रैशेज हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। इस वजह से हमें स्किन पूरी कवर करनी चाहिए, वरना आने वाले टाइम में स्किन के साथ साथ स्किन से ही जुड़ी हमें स्टमक की बीमारियां भी बहुत सारी होती है। इतनी गर्मी बढ़ने का कारण ये है कि ये जो नेचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है। इस आपको पता है एक पेड़ की कीमत कितने एसी के बराबर है? एक एसी के बराबर एक पेड़ है। तो अगर आप ये पेड़ काटेंगे तो एसी, ये समझ लो कि आप एसी काट रहे हैं। अगर आपको जीवन चाहिए, ये गर्मी कम चाहिए, तो पेड़ काटना बंद कीजिए, जितना हो सके पेड़ लगाइए। अगर आज पेड़ होते ना हर जगह, तो सिर्फ इस सीजन में भी 20% गर्मी रहती बस। लेकिन जितने पेड़ कटेंगे, आप नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, फिर नेचर भी अपना आपको रिजल्ट दिखाएगी। मैम, इस समय जैसे गर्मी बहुत ज्यादा हुई है, तो मेरा ये कहना है कि एक तो नींबू पानी पीना चाहिए, और आप घर से बाहर निकल रहे हो तो अम्ब्रेला लेकर या फिर अपने फेस को कवर करके कोशिश करो कि कॉटन का कपड़ा सर पे जरूर बांध के चले, और नींबू पानी के साथ साथ आप इलेक्ट्रोल पाउडर डाल के अपने लिए साथ बॉटल भर के रखो। पेड़ों को काटना सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। पॉल्यूशन दूसरा कारण, कारण तो बहुत सारे हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा पेड़ लगाओ, जब आप काटते हो तो उनको फिर लगाना भी चाहिए, तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। गर्मी का एक कारण तो इस समय ये नौपखा चल रहा है, और
हमेशा इतनी गर्मी हुई है और कुछ कारण प्रकृति से हम लोग बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेड़ की कटान बहुत हो रही है, पेड़ लगाए कम जा रहे हैं, इस कारण से गर्मी बहुत अत्यधिक हो रही है। हर घर में एसी लग रहा है, पेड़ कम लग रहे हैं, एसी ज़्यादा लग रहे हैं। और इस समय बेल का शरबत, नींबू पानी, सिकंजी इत्यादि आम जनमानस को पीना चाहिए और लू से अपनों को बचाएं, बच्चों को भी बचाएं, परिवार को भी बचाएं। गर्मी देखिए बदलते जलवायु परिवर्तन की वजह से, और सबसे बड़ा जो कारण है गांव क्षेत्र में लकड़ी की जो पेड़ों के हरे पेड़ों का कटान हो रहा है, उससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसका बचाव अभी तो तुरंत तो नहीं समझ में आता, हाँ मगर आने वाले पीढ़ियों के लिए लोगों को पेड़ लगाने चाहिए और अभी बचने के लिए पानी और उससे धूप में ना निकलें, अपने आप को ढके रहें और ठंडी चीज़ें का प्रयोग ज़्यादा करें। और गर्मी इस लेवल की है कि आदमी को चक्कर आ रहा है गाड़ी चलाने पर, है ना, और गला सूख रहा है पूरी तरीके से, बदन पूरा जल जा रहा है एकदम, मतलब झुलस टाइप का जा रहा है, इसलिए भयंकर गर्मी। आज करीब 48-47 के आसपास का टेम्परेचर है इस समय, और अभी कमरे के अंदर भी हम बैठे थे तो वहाँ भी टेम्परेचर लगभग 43-42 के आसपास था। और हम तो लोगों को यही सलाह देंगे कि अपने घर से अगर ज़रूरी काम नहीं हो तो ना निकले, ज़्यादा अच्छा है, और पानी पी कर रहें और जितना भी पेट को अपना खा पी करके रखें ज़्यादा अच्छा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें घर से निकलना नहीं चाहिए, या एसी गाड़ी हो तब आप कहीं जा सकते हैं। बाकी मेरी तो सब लोगों को यही सलाह है कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकले, पानी का सेवन करें, नींबू पानी पीते रहे और गर्मी से जितना भी हो शरीर को बचाओ। अब एसी की खपत, एसी ने बिजली की खपत बढ़ा दी है, लोगों के यहाँ कूलर चल रहे हैं, फैन अधिक चल रहा है, तो बिजली पे तो लोड ही है, बिजली वैसे भी कटेगी, जब खपत ज्यादा होगी तो कटेगी। देखिए गर्मी जो है बहुत ही विकराल गर्मी है, कई दशक का रिकॉर्ड तोड़ा है गर्मी ने, और इसको लेकर कहा जा सकता है कि जलवायु का परिवर्तन है, उसी से गर्मी जो है इतनी भीषण है। इसकी मुख्य वजह है कि जो लगातार वन संपदाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसकी कटान हो रही है, अवैध कटान के कारण जो वृक्षों का कटान है उसी के कारण ये गर्मी हो रही है। और हम तो अपील करेंगे कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाए, तो इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में गर्मी से निजात मिलेगी, नहीं तो ये भयावह समय आने वाला है और ठीक उसी का अंदेशा सामने देखा। गर्मी पड़ रही है ये तो निश्चित है, और इसके पीछे ये कारण है कि जो पेड़ कट रहे हैं और लोगों द्वारा और पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, तो इसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए लोगों द्वारा भी और सरकार द्वारा भी कि और पेड़ लगाए जाएं। और गर्मी से बचने के लिए लोगों को बाहर निकलना कम करना चाहिए, साथ में शीतल जल पीना चाहिए। गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जो पेड़ हैं उन्हें कटाई कम करें, कटाई अगर ज़्यादा करेंगे तो गर्मी जाहिर सी बात है पड़ेगी, और गर्मी में ज़्यादातर आप बाहर ना निकलें धूप में, और शीतल जल पिए और लस्सी वगैरह उनका सेवन करें जिससे गर्मी से बचा जा सकता है। जो गर्मी तेज पड़ रही है इसके कारण जो है जो पेड़ कट रहे हैं, इसके सबसे मेन कारण यही है जो पेड़ कटे जा रहे हैं, हमें हमारी सरकार को चाहिए कि क्या नाम है पेड़ लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके धूप में लोग ना निकले, और जितना हो सके मट्टा छाछ आम पना ये सब चीज़ों का सेवन करें और जितना हो सके अपने आप को धूप से बचाएं। भैया एक तो लोगों में मतलब कहने का ये हरियाली कम हो गई है सब जगह, पेड़ वृक्ष सब जगह रहे नहीं है, अच्छा रॉ मेटीरियल सीमेंट लोहा ये सब जगह आ गया है, जो गर्मी को तापता था ये गर्मी हीट दे रहा है वो हीट लेते हैं जहाँ तक मेरा। भैया पहले कम होती थी अब ज़्यादा है, एक तो पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है, ज़मीन का दोहन हो रहा है, बरसात भी कम हो रही है, कई कारण हैं। और भैया विदेशों में युद्ध भी चल रहे हैं, जब बम फट रहे हैं तो उनकी भी गर्मी ही आएगी। देखो गर्मी से बचने के लिए घर से मत निकलो, घर से निकल जब ज़रूरी काम हो तभी निकलना चाहिए, बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो बहुत खतरनाक है ये गर्मी। अगर बाहर निकलना ही है तो पेय पदार्थ पी के लेके चलो, फुल उसमें पेय पदार्थ का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। सर वैसे तो जरूरत पड़ती तो ही घर से निकलते हैं और ग्लूकोन डी वगैरह पानी वगैरह ज्यादा से ज्यादा पी रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, हल्का भोजन कर रहे हैं बस।
वृक्ष भी बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, लोग आगे जमीनों को साफ करके प्लॉट बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो इसलिए पेड़ को काटा जा रहा है। इसी वजह से हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और धूप बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पेड़ों से छाया होती है जिसके नीचे बंदे बैठते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, तो इसका भी बहुत असर पड़ रहा है। इस वजह से भी गर्मी बढ़ रही है, बढ़ती थी पहले भी गर्मी, लेकिन जितनी इस बार पड़ रही है इतनी नहीं पड़ती थी। ये मई का जैसा मौसम रहा है, कुछ इसमें पारा ज्यादा आ ही रहा है, आई होने की थोड़ी बहुत बारिश हो जाती थी, इस बार बारिश भी नहीं हुई, इसलिए कुछ गर्मी ज्यादा है। तो जैसे लंबे समय से जितना पारा इस बार रहा है वो कुछ ज्यादा है। गर्मी में बचने के उपाय ये है कि ठंडा पानी पिए, पना पिए और ठंडी ठंडी चीजें खाइए। हाँ, ये पेड़ काटने की वजह से गर्मी हो रही है और पेड़ काटे तो जो है पेड़ काटे तो आप जो है पेड़ लगाए भी और पॉल्यूशन। हाँ अंकल, गर्मी के चक्कर में हम खेल भी नहीं पाते और बुलाने जाते हैं दोस्तों को तो उनकी मम्मी मना कर देती हैं और इसलिए हमारी छुट्टी बर्बाद जा रही है। हम हर दो मिनट में पानी पी रहे हैं, घर जा रहे हैं, मम्मी बुला लेते हैं, इसलिए ये गर्मी बढ़ने का कारण है कि हमारे जो मतलब पेड़ पौधे कंटिन्यू कटते जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तापमान बढ़ता जा रहा है। तो पेड़ पौधे कम है, दवाई वाई चल रही है और लोगों की थोड़ी हो रही है, गाड़ियाँ जाते हैं, अपने घर पर जिस पक्ष का काम है उसका घूमने से। यहाँ भी बहुत गर्मी है जी, यहाँ भी बहुत काफी गर्मी है, रुद्रपुर में भी बहुत, देखो कितनी गर्मी है, गर्मी तो बढ़ी रही है जी। अब इसको पता है क्या करा जाए, एनसीआर में भी नहीं है, एनसीआर में बगैर थे दिल्ली में भी गर्मी है और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। 300 किलोमीटर दूर आए हैं, जब भी जो इतनी दूर बाद इतनी गर्मी लग रही है, पेड़ कटने का कारण तो यही है। ये बताओ, पेड़ पौधे के चक्कर में पेड़ इतने काट रहे हैं, हम कैसे जिएंगे? पेड़ पौधे ना लगाने से सबसे बड़ी ज़्यादा गर्मी है, फैक्ट्रियाँ हो गई, बसें हो गई, हमारे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो आप रुद्रपुर वाले रोड पे जाइए, यहाँ देखिए कितने सारे पेड़ काटे गए हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप बरेली रोड पे जाइए, वहाँ पे भी बहुत सारे पेड़ काटे गए, पेड़ ना लगाना ये सबसे ज़्यादा हमारे दिक्कत है। पेड़ पौधे लगाएं, सबसे ज़्यादा जल बचाएं, यही ऐसा ना गर्मी का माहौल बना, जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ पौधे लोग काट रहे हैं तो वातावरण सही नहीं मिल पा रहा है, ये भी वजह हो सकती है गर्मी की। बारी जो हल पहले शहरों में था वो गांव में पहुंच गया, इतनी गर्मी पहले शहर में होती थी वो गांव में भी है, क्योंकि गांव में पेड़ बूटा वो सड़क में नहीं है। ये कि अपने घर के कोई ना कोई धन पालो, पौधा लगाओ जिससे मठा दूध मिले, ये कैंसर वाली चीज़ छोड़ दो, इससे स्वास्थ्य में बहुत कमी आ रही है समाज में और ये गर्मी का कारण है। जो दवा लग रही है, आदमी गर्म से गर्म दवा किसी खा रहा है, जिंदगी 50 साल जी रहा होती है, आवाज पर कितने भी 40 साल हो जाए, अब ये 50 साल के ऊपर हो जाए। हमारे यहाँ पे तो अभी पेड़ पौधे लग रहे हैं, हमने कम से कम ऐसे मान लो इस साल 12 पेड़ लगाए, हम लिप्टिस की भी लगाए, पॉपलर भी लगाई है और खाली 22 पेड़ हमने आम के लगाए। आप उसी भी लगे लीजिए पेड़ पौधे जी, सर गर्मी वाले का सबसे ज्यादा है कि पेड़ को ना लगाना और जो बचे हुए पेड़ हैं उनको भी काटना, क्योंकि इसमें अभी विकास हो रहा था, विकास के नाम पे हमारे जो सड़क किनारे पे जो पेड़ कट रहे हैं सड़क चौड़ीकरण के कारण में, तो उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं उससे कुछ अंदर पे पेड़ लगने चाहिए, जिससे कि जो राहगीर जब जो चलते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ सके। आज स्थिति ये है कि कहीं पर भी पेड़ नहीं है, इक्का दुक्का देखिए यहाँ पर हम चौक पे खड़े हैं तो एक पेड़, यहाँ पे जो स्कूल के जो कर्मचारी हैं या जो कोई भी बच्चे स्कूल वाले यहाँ से आते थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकते हैं या जो बस का इंतजार करते हैं रुकते हैं, तो यहाँ पे पेड़ अभी इस वक्त क्या है कि पेड़ों की बहुत कमी हो गई है, कहीं पे भी जो बच्चे बचे पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं, कि जो जनसंख्या का स्तर वो बढ़ते जा रहा है जनसंख्या, और सबसे ज़्यादा क्या है कि सर जो आज ये गाड़ियाँ हैं, एक गर्मी का कारण ये भी है कि सड़कों पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उससे भी प्रदूषण तो है और इसमें जो गर्मी इससे भी बढ़ती है, गाड़ियों के चलने से भी गर्मी बढ़ रही है, इसलिए गाड़ियों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए।
मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी लोग यहाँ से जो पेड़ से जा रहे हैं वो केवल क्या है टूरिस्ट जा रहे हैं वो देख रहे हैं, और हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो पलायन करके प्लेस में चले गए हैं, चाहे वो रोजगार के लिए जाए किसी के लिए भी जाए। तो ये क्या कि बाहर के लोग हमारे इधर पहाड़ पे आके इसके यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं, ये रहे, और हमारा जो उत्तराखंड का निवासी है वो वहाँ रह गया है। अब उन्हें गर्मी का एहसास हो रहा है, वो लोग वहाँ से इच्छा देते हैं कि ये होने चाहिए वो होने चाहिए, मगर वो पहाड़ को नहीं देख रहे हैं। बच्चा बुचा पहाड़ में तो जंगल था जो अभी जला दिया गया है, लोग आते हैं बाहर पहाड़ों को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, वो वहाँ पर पहाड़ पे आगे ही क्या कर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जंगलों के आगे बैठते हैं, मौज मस्ती करते हैं और हमारे ही वनों को जला दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इसके बीच में अभी वन विभाग ने बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ा भी और उनको पनिशमेंट दिया।